ट्यूटोरियल से कोडिंग सब करे, खुद से करे ना कोई, और जो खुद से कोडिंग करे तो जॉब काहे ना होई। ये संत कबीर नहीं, संत तनय प्रताप कह रहे हैं कि आप लोग जब ट्यूटोरियल देखते हो, भैया जॉब नहीं लग रही है, भैया कहते हैं प्रोजेक्ट बना लो, तो आप क्या करते हो, आप जाके एक ट्यूटोरियल देखते हो, उसका प्रोजेक्ट बना लेते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉब फिर भी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? एक होता है नर्क और एक होता है ट्यूटोरियल का नर्क। आज हम समझेंगे कि ट्यूटोरियल नर्क यानी कि ट्यूटोरियल हेल क्या होता है। तो ट्यूटोरियल देखकर आप समझते कम हो, आप सीखते कम हो, लेकिन एक झूठा आत्मविश्वास आपको आ जाता है। इसके भी तीन अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग स्टेज का आत्मविश्वास होता है। एक सेकंड देखते हैं कि इसके अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं। पहला स्टेज वो होता है जहां पर आप ट्यूटोरियल देखना शुरू करते हो, तो आप बोलते हो यार अपन जो है ना, हमारे दोस्तों से तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारे दोस्त ललन टॉप और मिर्जापुर देखते हैं, और हम क्या देखते हैं, हम रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो हमारी तो लगनी जॉब पक्की भैया, हम तो बहुत बढ़िया। इसमें आप अपने आप को क्या झूठ कह रहे हैं? इसमें आप अपने आप को यह झूठ कह रहे हैं कि आपकी जॉब आपके दोस्तों के बीच में लगनी है। जैसे कि एक एम्प्लॉयर आएगा, वो बोलेगा 10 दोस्तों में से जो सबसे अच्छा इधर आओ, रिएक्ट की जॉब तुम्हारी। ये देखिए सर, एकदम फ्रेश माल है सर। ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो इस स्टेज में तो बिल्कुल ना रहे कि भैया हमने एक वीडियो ये देख लिया, एक वीडियो वो देख लिया, एक भैया का वीडियो देख लिया, उन भैया का वीडियो देख लिया, हमने इतना सुना है, लोग कहते हैं कि राम नाम सुनने से जीवन तर हो जाता है, इतना रिएक्ट सुना है, तो कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। बस आप इस भ्रम में रहोगे कि आप रिएक्ट सीख रहे हो और टाइम वेस्ट होता रहेगा। फिर आता है भ्रम का दूसरा पड़ाव यानी कि सेकंड स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक तने भैया मिलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन होता है, तने भैया मिल गए, तने भैया अच्छी बातें करते हैं, तो तने भैया क्या बोलते हैं कि बाबू अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर आगे बढ़ना है, तो सिर्फ ट्यूटोरियल देख के तो होगा नहीं, तो क्या करना होगा? तो आप बोलोगे क्या करना होगा भैया? तो भैया बोलेंगे कि देखो कोडिंग करना जरूरी है, बनाना जरूरी है चीजें। तो आप बोलते ठीक है, ट्यूटोरियल देखते हैं और कोड करते हैं। और भैया ने क्या कहा था, प्रोजेक्ट को होस्ट करना है, होस्ट भी कर देंगे, गिटहब पे डालना है, गिटहब पे भी डाल देंगे। वाओ अमेजिंग, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी जॉब नहीं लग रही। तो तने भैया पक्के झूठे हैं। कैसे? आप लोग कमेंट में आके मुझे कहते हो, और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, कमेंट में आके मुझे क्या कहते हो, भैया वेब डेवलपमेंट तो आ गया लेकिन जॉब नहीं लग रही, भैया हमने तो प्रोजेक्ट भी बनाया है पर जॉब नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही भाई, क्यों नहीं लग रही, बताता हूँ। अभी आपने क्या किया, आपने एक वीडियो खोला और वीडियो में जैसा जो मिला वैसा का वैसा छाप दिया, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है, और कोड कर लिया और उसी कोड को होस्ट कर दिया, उसी कोड को गिटहब पे डाल दिया, उसी प्रोजेक्ट को होस्ट कर दिया और बोला देखो हम तो बहुत बढ़िया है, हमने तने भैया की बात सुनी, प्रोजेक्ट बनाया, कोड होस्ट किया, देखो हमारा प्रोफाइल। अरे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो कोड है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो जैसा है ना वैसे हजारों लोग करके बैठे हैं। आपने भी अपने कोड में अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया, वही उडेमी का कोर्स खरीदा, किसी समझ गए ना किसका, किसी का खरीदा आपने, और सेम टू सेम डिटो DITO एकदम वही प्रोजेक्ट वही कोड आपने डाल दिया। पहले आपका रेज्यूमे HR से सिलेक्ट नहीं होता था, अब HR ने बोला यार बात तो प्रोजेक्ट है तो इसको भेज देते हैं सामने, तो रेज्यूमे आता है और फिर बोलता है अच्छा ये वाला जरा खोल के देखो इसका पोर्टफोलियो, Oh my God, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये तो मैंने 500,000 बार देखा है as is। मैं ये नहीं कहता कि नए प्रोजेक्ट सोचो, पर ये तो करो बाबू कि जो कोर्स पढ़े उसपे जो किए उससे थोड़ा ऊपर तो जाओ, दो स्टेप और तो बनाओ, चार स्टेप और तो पहुंचो। फिर आप बोलोगे अरे भैया ये क्या बात कर दी आपने, हमें कहां कोर्स में पढ़ाया गया और कुछ करने के, फिर भी आते हैं आराम आराम से आते हैं, हड़बड़ी क्या है। पहले आपके मिथ्या का जो थर्ड स्टेज है वो समझ लेते हैं। इसमें आप लोग थोड़े और चलाक हो जाते हो, इसमें आप लोग क्या करते हो कि देखो अभी तक तो हम छोटे मोटे सस्ते मुस्ते कोर्स करके थोड़ा मोड़ा डाल दे रहे थे, अब हम और स्मार्ट हो गए तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जैसे कि डीबाउंस उसको प्रोजेक्ट में लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन उसको प्रोजेक्ट में लगाएंगे, थ्रॉटल उसको प्रोजेक्ट में लगाएंगे। तो आप क्या करते हो, एक कोर्स खरीदते हो जिसमें थोड़ा एडवांस्ड है सब कुछ, और एडवांस्ड को आप कॉपी करते हो और अपने प्रोजेक्ट में डालते हो, और अब तो आप भाई अब तो हम अगले लेवल के हीरो हैं, अब तो आप जवान हो, क्या करोगे आप, अब आप बोलोगे अब तो भैया हमें फ्रेशर की सैलरी चाहिए ही नहीं, हम तो 2 साल एक्सपीरियंस हो गया, हमें तो बहुत आता है। आता तो आपको अभी भी घंटा कुछ नहीं है, अभी भी आपने जो कुछ बनाया है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ किया है, सब प्रोजेक्ट से टेपा ही है, टेपने में बुराई नहीं है, उस पे आएंगे, लेकिन आपने टेप के क्या किया है, ओवर कॉन्फिडेंस अपना और ओवर कर लिया है, और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आप बोलते हो कि अब मुझे फ्रेशर की सैलरी भी नहीं चाहिए, अब तो मैं एक्सपीरियंस जगह अप्लाई करूंगा। पर क्या होता है, हायरिंग मैनेजर देखता है, बोलता है अरे फिर से वही एडवांस, अब इस बार टेपा वाला लेके आया लेकिन एडवांस लेके आया। और फिर अगर गलती से हायरिंग मैनेजर ने अभी वो एडवांस्ड वो वाला कोर्स नहीं देखा है, आप समझ रहे हो कौन सा कोर्स है,
मैं बात कर रहा हूँ, वो वाला कोर्स नहीं देखा है अगर अभी तक तो देख लेगा। और होगा यही, होना यही है कि सब कोई वही प्रोजेक्ट बनाएंगे, वही कीवर्ड्स डालेंगे, वही चीज होगी, उतना ही कोड लिखेंगे उससे ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, और उतना ही प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे ऊपर कुछ नहीं बनाएंगे, तो हर कोई फिर से रिजेक्ट ही होगा। और तुम्हें मन और करेगा कि अरे वाह, अगर इतना एडवांस प्रोजेक्ट हम वीडियो देखकर बना सकते हैं तो अब हम बैकएंड भी बनाएंगे और थोड़ा वेब 3 भी करेंगे और ये और वो सब करेंगे। तो आपने क्या किया कि 3 महीने में 10 टेक्नोलॉजी सीख ली, सारे कीवर्ड्स डाल दिए, सारे प्रोजेक्ट बना दिए। बहुत अच्छी बात है यार, मेहनती हो तुम, लेकिन सिर्फ मेहनत से कोई फायदा है नहीं। एक सेकंड रुको, आज का कमेंट बहुत सिंपल करके जाना, सच बोलना दिल पे हाथ रख के, अगर तुम भी ट्यूटोरियल नर्क यानी कि ट्यूटोरियल हेल में फंसे थे और आज निकल गए तो बस कमेंट करना, भैया मैं भी ट्यूटोरियल हेल में फंसा था, मैं देखूंगा, सब लोग देखेंगे, समझेंगे कि ये विश्वव्यापी समस्या है कोडर्स के बीच। एक आदमी क्या करता है, गड्ढे को रोज खोदता है और शाम को फिर गड्ढे को भर देता है वापस, फिर खोदता है, फिर भर देता है, फिर खोदता है, फिर भर देता है। बोलोगे बहुत ही बेवकूफ इंसान है, ये तो मेहनत तो नहीं कर रहा, ये पर मेहनती तो है, रोज तो वो गड्ढा खोद रहा है तो मेहनती तो है। आप भी वैसा ही मेहनत कर रहे हो, बिना मतलब में ट्यूटोरियल दे के प्रोजेक्ट टेप रहे हो, गिटहब पे डाल रहे हो, होस्टिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है, कछु कछु आ रहा है, लेकिन उससे जो ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब तो मैं ये कीवर्ड भी सीख गया, अब तो वो कीवर्ड, अब तो वो शक्ति भी खुल गई, ओम देवा देवा जो आप करने लगते हो तुरंत से, उससे जो आपको परेशानी हो रही है उसके कारण आपकी जॉब नहीं लग रही है। तो अब आप पूछोगे कि भैया समस्या तो आपने दुखती रख पे हाथ तो रख दिया, हाथ रखा क्या, दबा दिया, पूरा भनभला के दर्द हो गया है, तो अब इसका समाधान भी बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कि आप गलती करते कहाँ हैं, आप गलती करते हैं ट्यूटोरियल को चुनने में। इस पे हमने पहले भी काफी बातें की हैं, ऐसा नहीं कि नया कॉन्सेप्ट है, बट आप यही करते हो, आप क्या करते हो, 15 मिनट में ये सीख ले, 25 मिनट में वो सीख ले, ऐसा लग रहा है ऐसे गेम खेल रहे हैं, पोकेमोन खेल रहे हैं कि एक पोकेमोन ये भी उठा लेते हैं, एक पोकेमोन वो भी खिलाते हैं, और जब जरूरत होगा तो आप बोलोगे पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूं। ऐसा तो नहीं होता है ना कोडिंग के साथ, आपको याद नहीं आएगा ना टॉपिक अगर आपने उसको सही से प्रैक्टिस नहीं किया है तो। ये तो पोकेमोन जैसा है नहीं, ये तो कैंडी क्रश है नहीं कि दौड़ते चले दो चार पॉइंट लेते चले, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप लेकिन वही करते हो, आप इसको 15 मिनट का एक ट्यूटोरियल जिसमें एक में नॉर्मलाइजेशन बता दिया, में डीबॉन्स बता दिया, थ्रॉटलिंग बता दिया, बैक एंड एपीआई इंटीग्रेशन बता दिया, ओह माय गॉड ये भी बता दिया, और हर 15 मिनट में आप एक नए टॉपिक पे, आधा घंटा में एक नए टॉपिक पे जाने वाला कोर्स कर रहे हो और फॉल्स कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो पहली चीज तो ये कि आपको वो ट्यूटोरियल देखना है जिसमें ढेर सारा समय हो, अगर कोई 6 घंटे 8 घंटे प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो वाला देखो। एक छोटा प्रोजेक्ट बनाने में इसको 6 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, 8 घंटे लग जाए तो वो वाला देखो, ये वाला मत देखो। और आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने मन में ये शांति बैठानी है, ओम शांति, कि भैया कम चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं सीखेंगे। जब कम चीजें सीखोगे और समय ढेर सारा रहेगा तो क्या कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से कोई चीज करने से जॉब लगती है, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाने से जॉब लगती है। तो कैसे करना है, जैसे आपने ट्यूटोरियल लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कई बार पहले भी बात की इस चैनल पे कि जोमैटो एक ऐप, आपने जोमैटो का ऐप बनाया, ऐप मतलब वेब ऐप बनाया, उसमें आपने क्या किया, लिस्टिंग किया, प्रोडक्ट पेज किया, रिव्यू पेज किया, ठीक है। अब आपने ट्यूटोरियल देख के बनाया, कोई बात नहीं, ट्यूटोरियल देख के बनाया, बहुत अच्छी बात। अब देखोगे कि यार ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जिसमें ऐसा ही होता है, जैसे IMDb भी ऐसा ही ऐप है, उसमें भी एक लिस्टिंग होती है, एक प्रोडक्ट पेज होता है, एक रिव्यू होता है। TripAdvisor भी ऐसा ही है, उसमें भी एक लिस्टिंग होती है, एक प्रोडक्ट होता है, एक रिव्यू होता है, और ऐसे बहुत सारे ऐप्स आपको हर जगह देखने लगेंगे। तो अगर आपने Zomato को देख के बनाया तो अब आप ट्राई करो कि Zomato वाला वीडियो देख के क्या आप IMDb वाला बना सकते हो। यहाँ पर आपके माथा में यानी कि दिमाग में दर्द होगा, पेन होगा, वो पेन पता है क्या है, वो पेन है लर्निंग का पेन, वो पेन है ग्रोथ का पेन, जिस पेन से आप दूर भागते हो इसीलिए कोई गेन नहीं हो पाता। सेकेंड टाइम आपने वीडियो देख के एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, और थर्ड टाइम आप क्या करोगे, थर्ड टाइम आप बोलोगे कि यार Zomato भी बना दिया, IMDb भी बना दिया, अब इस बार TripAdvisor बनाते हैं, लेकिन इस बार अब मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं डॉक्यूमेंटेशन से रेफर कर लूंगा, एनफ मेरा काम हो जाएगा, या अब मैं अपना कोड Zomato वाला कोड देख के मेरा काम हो जाएगा। जब इस लेवल पर आप पहुंचोगे, एक ही प्रोजेक्ट पे 3 बार टाइम स्पेंड करोगे, मे बी 4 बार टाइम स्पेंड करोगे, तब ऐसा होगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में कोई बोलेगा अच्छा ये प्रोजेक्ट तुमने बनाया, हाँ इसमें ये फीचर जरा ऐड कर दो, तो आप फीचर ऐड कर पाओगे, और आपको खुद ही लगेगा कि यार जितना मैंने बनाया ना इसके ऊपर एक और फीचर बनाना है कोई बड़ी बात नहीं, यूजर प्रोफाइल बनाना है कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर देता हूँ, अच्छा फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, एक और सॉर्ट लगाना है, एक और फिल्टर लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन से वो आया ना, वो पावर आपकी अनलॉक हुई ना, अगर वो आप नहीं खेलोगे, टाइम नहीं लगाओगे उस चीज में, तो ये कैसे होगा जरा बताओ। देखो एक बात समझ लो कि लोग जो है वो दुनिया में बेवकूफ नहीं है यार, वो इतना इतना पैसा, लाखों लाखों का ओपनिंग सैलरी और करोड़ों करोड़ों का 10 साल 20 साल का सैलरी, इतना
पैसा अगर दे रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो सिर्फ ट्यूटोरियल देखने वालों को तो नहीं दे रहे होंगे। अगर तुम सिर्फ ट्यूटोरियल देख सकते हो तो कोई और भी देख सकता है। मेहनत वहां है जहां सर में दर्द होने लगता है, जहां पे बनाना पड़ता है थोड़ा धीरे धीरे करके, हौले हौले करके, लेकिन समय तो लगाना पड़ेगा ना ढेर सारा। तो ये जो उडेमी के कोर्सेस खरीद लेते हो इनसे बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा तो यही तरीका अपनाना पड़ेगा 3 बार करने का। और ये जो एडवांस कोर्सेस खरीद लेते हो जिसमें तो भाई साहब जितने कीवर्ड्स है दुनिया के एडवांस सब सिखाए जा रहे हैं, उनसे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उनसे एक ही चीज हो सकता है, आपका सत्यानाश। तो एक ही तरीका है अच्छे से करने का, वो है कि हौले हौले समय लगा के ढेर सारा बढ़िया से सीखो, एक ही जैसे प्रोजेक्ट बार बार बनाओ ताकि रिपीटेशन से आपका ग्रोथ हो सके। और कोई भी तरीके से करोगे तो नहीं होगा। लिख के रख लो, 10 महीना लगा लो, 1 साल लगा लो, फिर आके कमेंट करो भैया प्रोजेक्ट भी बनाया है, भैया कोड भी लिखा है, लेकिन भैया कहीं हो नहीं रहा है, क्या फर्क पड़ेगा। यही रीजन है जिसके कारण नहीं हो पाता है आपका। देखो एक बात यहाँ और समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत सारे फ्रेशर से इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा ये दिखता है। तुम लोगों को क्या होता है ना, तुम लोग अभी मतलब बार बार मैं बोलता हूँ कि अभी अंडा निकला नहीं, मतलब चूजा अंडे से निकलता नहीं, और सोचता हम हीरो हैं और हमें तो इतना आ गया, ओ माय गॉड, वो भी कीवर्ड आता है, वो भी कीवर्ड आता है, वो भी कीवर्ड आता है, वो भी कीवर्ड आता है। और आप बोलते हो कि यार मुझे बहुत सारा पैकेज मिलना चाहिए। और अगर आप एक ही चीज को 3 बार बना लोगे तब तो आप बोलोगे कि अरे हमसा दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, वो गाना ना कोई तुमसा नहीं, उसी तरह का आप गाओगे कि कोई हमसा नहीं। थोड़ा यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्लीज जब सीख जाओ थोड़ी ह्यूमिलिटी रखो, अभी पहले करियर शुरू करो, कुछ सीख जाओ, कुछ बनाओ, अपने करियर का कुछ बना लो, उसके बाद करते रहना जो दिखाना दिखाना। लेकिन एज अ फ्रेशर जब आपको एक सैलरी ऑफर की जाती है, एक जॉब ऑफर की जाती है, तो ये मत बोलो कि अरे ये इतना पढ़ने के बाद मैं यही लूं। इतना तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, 10 महीने 1 साल में कितना पढ़ लोगे यार। यहाँ 10 साल से आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, 15 साल की उम्र से कोड कर रहा है, तब तो लगता है कुछ आता नहीं है। और आपको लगेगा कि इतना आएगा, भाई थोड़ी ह्यूमिलिटी रखिएगा, ताकि जब ये सब आप सीख भी जाओ जिस तरह से मैंने बताया है, वैसे बताकर आपको जॉब मिलने भी लगे तो आपका दिमाग 7वें आसमान पे न चढ़ जाए। मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना, हंसते हंसते बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। और जो इतना सारा पेन आपको होने वाला है जॉब नहीं मिलने का क्योंकि आप गलत लोगों को गलत जगह फॉलो कर रहे हैं, वो सब पेन से आप बच जाओगे। तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट सब करते जाना। बाय बाय।